नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। राहुल गांधी की न्याय यात्रा सफल रही। अब तक उन्होंने पूर्वोत्तर छोड़कर दो राज्यों का दौरा किया है। पहले बंगाल में गए और उसके बाद बिहार में उनकी बस एंट्री होने ही वाली है। और इन दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन टूट गया, इस लिहाज से उनकी यात्रा सफल रही। राहुल गांधी का साथ समस्या ये है कि राजनीति उनसे होती नहीं और कांग्रेस उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पूरा देश प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मना रहा था। लोग सीटों के बंटवारे के लिए आपस में बातचीत कर रहे थे। अलग अलग राज्यों की रणनीति बिठाई जा रही थी और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों में लगी थी। राहुल गांधी का इमेज कैसे बिल्डअप हो, आज भी कांग्रेस का एक भी नेता ये नहीं कह रहा कि भारत का इमेज कैसे अच्छा हो। वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा चमकाने में लगे हैं। लेकिन हमारा आज का विषय ये नहीं है। हम आज एक बहुत बड़ी खबर पर चर्चा करने वाले हैं। वो खबर बिहार के बाद एक और राज्य में ऑपरेशन कमल से जुड़ी हुई है। आखिर वो राज्य कौन सा है, क्या होने वाला है वहां, पूरी कहानी तफ्तीश से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एनडीए के मुख्यमंत्री हो गए हैं। उनके साथ दो डिप्टी सीएम और कुल मिलाकर 8 लोगों ने शपथ ली है। और बिहार के कास्ट कम्बिनेशन के हिसाब से फॉरवर्ड भी हैं, यानी भूमिहार राजपूत भी हैं, यादव भी हैं, एक कुर्मी भी हैं, कोयरी भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं और दलित भी हैं। और जब इतने सारे कास्ट समीकरण का एक जगह बसावट हो तो दूसरी ओर की चिंता लाजमी है। लालू के पास बचा कौन, इस समीकरण को हम किसी और वीडियो में अगले दिन समझाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन का एक और मुख्यमंत्री पाला बदलने की तैयारियों में जुटा है। वो मुख्यमंत्री कौन है, क्या तैयारी चल रही है, इशारा बता देता हूं। उस मुख्यमंत्री को जरूरी नहीं कि एनडीए में शामिल कराया जाए। क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे सिर्फ इतना कहा गया है कि आप हमारे साथ आओ या ना आओ, लेकिन आप कांग्रेस से अलग हो जाओ और अपने राज्य में सभी लोकसभा सीटों पर आप लड़ जाओ। हम आपको दो फायदा देंगे। एक तो केंद्र सरकार की जो भी योजना है, जो भी पैसा होगा, आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। और दूसरा, आप जो केस मुकदमों में फंसे हैं उससे राहत दी जाएगी। ऑप्शन आपके पास दो हैं, कांग्रेस के साथ रहकर, कांग्रेस तो बर्बाद हो रही है, खुद भी बर्बाद हो, या फिर कांग्रेस से अलग होकर, आप हमारे साथ आए या नहीं आए, कांग्रेस से अलग होकर अपनी इज्जत, अपना भविष्य बचा ले। क्योंकि अगर आप अपना भविष्य नहीं बचाते तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली, आप जेल भी जा सकते हैं। अंदाजा लगाइए वो मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं। वो मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो सकते हैं। हेमंत सोरेन ने कल यानी शनिवार को झारखंड के गवर्नर से मुलाकात की और गवर्नर से मुलाकात करने के बाद वो स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चले गए। ऑफिशियल जो बयान आया उसके अनुसार यह कहा गया कि लोकपाल का एक केस चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें सोरेन परिवार पर केस चलाने की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान बड़े वकीलों से तो मिलेंगे ही हेमंत सोरेन, साथ ही बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात होने की संभावना, चर्चा ऐसी जताई जा रही है। क्या हेमंत सोरेन बीजेपी का प्रपोजल मान गए हैं? क्या सभी 14 लोकसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कैंडिडेट देगी? क्या अलग लड़कर अपनी सरकार बचा सकेंगे हेमंत सोरेन? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन झारखंड का समीकरण कहता है कि 14 सीटों पर अगर हेमंत सोरेन लड़े तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा और इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। एक और राज्य है जहां बहुत कुछ चल रहा है और वो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में
ऐसा बताया जा रहा है, वहां के लोकल मीडिया की खबर है कि डीके शिवकुमार ने बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की है। उस मुलाकात में क्या हुआ ये पता नहीं, मुलाकात तो हुई है, बात क्या हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन कर्नाटक में ऐसी चर्चा है कि डीके शिवकुमार का मन डोल रहा है। अगर डीके शिवकुमार का मन डोला तो एकमात्र बड़ा राज्य जहां कांग्रेस मजबूत फिलहाल दिख रही है वो है कर्नाटक, और वहां कुछ गड़बड़ हुई तो भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचेगा जहां कांग्रेस फिलहाल मजबूत दिख रही है, तेलंगाना और कर्नाटक को छोड़कर। इसका क्या असर होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमने जो खबर बताई झारखंड की और कर्नाटक की खबर उस पर आपकी क्या राय है अपने कमेंट सेक्शन में राय बता सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।